100% leak proof है. और कितनी देर में गर्म होता है, पहली बार कितने टेम्परेचर तक गर्म होता है. क्विकली हीटिंग टेक्नोलॉजी है, 1800 रुपए. गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल हॉट एंड स्वीट रसोई. फ्रेंड्स, मैंने अमेजोन से टॉप मोस्ट जो इलेक्ट्रिक लंच बॉक्सेस थे उनका ही रिव्यू किया है, तो उनमें से एक ये है वो तीसरा वाला लंच बॉक्स जिसे मैं करने जा रही हूँ अनबॉक्स. आपको दिखाऊंगी फर्स्ट लुक. इसके बॉक्स पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे मैं यहाँ पर चेक करूंगी, आपको कंफर्म करूंगी कि ये लंच बॉक्स आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है. बॉक्स की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है. तो फ्रेंड्स, ये जेपी प्लस ब्रांड का लंच बॉक्स है और इसके बॉक्स की क्वालिटी मुझे ओवरऑल अच्छी ही लग रही है. अब हम इसे खोल कर देखते हैं. लेकिन खोलना नीचे से है, देखो ये बड़ा आसानी से खुल गया. अब इसके अंदर देखते हैं क्या है. इसके अंदर है, देखते हैं. अच्छा, ये एक्स्ट्रा एयर विंट है, अगर ये वाला घूम जाए तो चेंज कर सकते. तीन बॉक्सेस मिल रहे हैं, 1, 2 और ये 3. तीन बॉक्सेस हैं, आप देख सकते हो. ये मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों. ये देखो ना, अंदर पहले से मार्क हुए पड़े हैं, अजीब सा ऐसा लग रहा है यूज़ किया हुआ है. अच्छा, इसमें आप देख सकते हो होल्डर यहाँ पे दिया हुआ है, वायर जो है ना वो यहाँ पर है. ये इस तरह से करके आप इसको निकाल लो और वायर मुझे 1 मीटर ही होगा लगभग. लेकिन मुझे ना ये होल्डर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, मतलब रोज़ अगर आप बंदा ऑफिस जाता है तो उसके लिए ये काम बड़ा हेक्टिक हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको मैनर्ड वे में रहने का शौक है तब तो आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में हर काम करते हैं, उनको ये वाला सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है. ये 2 हैं स्पेस, तो पहले नीचे करेंगे और फिर ऊपर उसको. देखो ये मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, इजी नहीं है, मिल्टन वाले का ज्यादा इजी था. ये इस तरह से यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हो. सबसे फर्स्ट पॉइंट देखे तो यहाँ पर जो आउटर बॉक्स की जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, ओके है. यहाँ पर आप देख सकते हो प्लग करने के लिए स्पेस भी बना हुआ है और इसके अंदर एक अच्छी बात है कि इंडिकेटर भी है. इंडिकेटर में देख सकते हो कि ये कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी से या नहीं है. ये तो रही इस बॉक्स की बात, अब बात कर लेते हैं इसकी. एयर गैसकेट लगा हुआ है और यहाँ पे एयर वेंट भी है, अगर गर्म खाना है तो यहाँ से एयर निकल आएगा. स्टील की क्वालिटी भी ओके है, लेकिन मुझे ये पता नहीं क्यों गैसकेट जो है ना इससे लग नहीं रहा है कि लीक प्रूफ है ये. फिर भी आगे चेक करेंगे. पानी पहले गर्म करके दिखाती हूँ कि पानी कितनी देर में गर्म होता है पहली बार और कितने टेम्परेचर तक गर्म होता है. मेरे पास ये देख लो थर्मामीटर है, तीनों में डाल दूंगी कलरफुल पानी और मैं इसे कवर कर देती हूँ. ठीक है, टिल्ट करके यहाँ पर देखती हूँ तो पानी यहाँ पर गिर रहा है, आप साफ देख पा रहे होंगे बड़ी आसानी से. और मैंने पता है ये ढक्कन बहुत टाइटली पकड़ा, क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ दूँ ना तो शायद ये गिर भी जाए और मेरा पूरा टेबल गंदा हो जाए, इसलिए मैंने ये ढक्कन थोड़ा पकड़ रखा है और ये पानी बहुत आसानी से गिर रहा है. तो इस हिसाब से कहा गया था 100% लीक प्रूफ. चलो, हो सकता है आउटर वाला जो बॉक्स है ये 100% लीक प्रूफ हो, तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है. मतलब कहानी तो ये है कि इसमें अगर आप दाल वाल लेकर जा रहे हो तो ये वाला बॉक्स तो डेफिनेटली गंदा होगा. फिर भी मैं आपको आगे और चेक करके भी दिखा देती हूँ. यहाँ पर मैंने डाल दिया है तीनों को. ठीक है, और पता नहीं है किस तरह का बॉक्स है यार ये. अरे बड़े रद्दड़ क्वालिटी का है यार ये जेपी का लंच बॉक्स तो. खैर, अब देखते हैं कि अंदर का क्या हालत होता है जब मैं इसे टिल्ट करती हूँ. जेन्युइनली मैं इस तरह से थोड़ा बहुत कर देती हूँ क्योंकि बैक में थोड़ा बहुत मूव तो होता ही है इस तरह से यार, एकदम से हम कॉन्स्टेंट लेके तो जाते नहीं हैं. अब हम देखते हैं अंदर का क्या सीन है. तो आप देख सकते हो बुरी तरह से पानी इसके अंदर गिर चुका है, मतलब केबल भी गीला हो चुका है. अब अगर आप इस टाइम पे चार्जिंग में लगाओगे तो क्या पता करंट ही लग जाए. ये देखो, अगर आपने इसके अंदर दाल भरी होती या तेल वाली सब्जी तो कुछ इस तरह का हाल होता है इसका. अभी अंदर का हाल तो और भी ज़्यादा सुंदर है, ये देख लो. ओह, नहीं दिख रहा ना, रुको मैं टॉप व्यू करके आपको दिखाती हूँ. तो आप अब टॉप व्यू में देख पा रहे हो कि पानी किस तरह से अंदर के साइड में बिखर चुका है. और इस कंडीशन में अगर आप खाना गर्म करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो खाना गर्म होगा, पता नहीं शॉर्ट होगा क्या होगा, आई डोंट नो. बट अंदर की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी हो चुकी है फ्रेंड्स. और सच में
इतना ज़्यादा लीकेज हो रहा है ना कि सच पूछो तो इस वाले लंच बॉक्स का रिव्यू करने का मेरा दिल नहीं हो रहा है। खाना गर्म होता है कि नहीं होता, आई डोंट केयर, क्योंकि लीकेज इस तरह से हो रही है, आपको खाना ले जाना ही आपका सेफ नहीं है पहली बात तो। प्लीज़ सॉरी, मैं इस वाले लंच बॉक्स का रिव्यू आगे नहीं करने वाली, मैं यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करूंगी। जनरली मुझे नहीं लगता था कि जेपी ब्रांड इतना बुरा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक लंच बॉक्स रिव्यू किया है जेपी का, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था। बट पता नहीं, मुझे इस वाले लंच बॉक्स से बहुत ज़्यादा निराशा मिली। एक तो इस तरह की लीकेज है, इसने पुराने लंच बॉक्स भेजे हैं मुझे, 100% लीक प्रूफ का वादा है। मैं आपको दिखाती हूँ लंच बॉक्स पे, यहाँ पर आप देख सकते हो लंच बॉक्स के डब्बे पे बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रोमिसज किए गए हैं, जैसे कि ये 100% लीक प्रूफ है, और आपने तो अभी देख ही लिया कि लीक प्रूफ का क्या नज़ारा था। दूसरी बात यहाँ पर बता रहे हैं क्विकली हीटिंग टेक्नोलॉजी है, तो मैं नहीं चेक करने वाली क्योंकि मुझे इस बॉक्स में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। 1 साल की वारंटी भी है, बट कोई वारंटी कार्ड मुझे अंदर मिला नहीं इसके। और तीसरी बात है कि कॉस्ट देख लो भाई साहब, कॉस्ट आप देख लो, 1800 रुपये, मतलब दाम रखते समय ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आप बेच क्या रहे हो। इन शॉर्ट मैं कहूंगी कि फ्रेंड्स ये वाला लंच बॉक्स बिल्कुल मत खरीदना, लेकिन आप निराश भी मत होना, क्योंकि कमिंग विंटर के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारे लंच बॉक्सेस और भी इलेक्ट्रिक वाले मंगवाए हैं जो कि अमेजोन पे टॉप सर्च में आ रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियोस देखनी है तो फ्रेंड्स आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय।